ये तस्वीर और ये तस्वीर, इन तीनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है। ये तस्वीरें नहीं, हमारे आसपास के घर घर की कहानी है। अपने देश में सिंगल चाइल्ड बाय चॉइस है, कोई मैंडेट नहीं है। आपको पता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार हमारे देश में 5% ऐसी फैमिलीज है जिनके घर में सिर्फ एक ही बच्चा है, और उन 5% में से 40% ऐसी फैमिलीज है जिनके घर में सिर्फ एक बेटी ही है। फर्टिलिटी रेट यानी कि बर्थ पर वुमन जो 1980 में 4.78 था, वो 2020 में घटकर 2.05 हो गया है। लेकिन क्यों? अलका बासु एंड सोनाली देसाई ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसका नाम है मिडिल क्लास ड्रीम्स, इंडियाज वन चाइल्ड फैमिलीज। इस पेपर में उन्होंने दो सबसे बड़े प्रमुख कारण बताए हैं जो पेरेंट्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो क्यों कम बच्चे पैदा करें। सबसे पहला कारण ये है कि आजकल के पेरेंट्स अपने रिसोर्सेज कम से कम बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं। दूसरा है बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना। पेरेंट्स के पर्सनल फुलफिलमेंट या फिर उनके लाइफस्टाइल में रोक टोक लाता है, लेकिन ये कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा प्रचलित है। हमारे देश में जहाँ पर सोशल नॉर्म्स और कंजर्वेटिव वैल्यूज को आज भी इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए पेरेंट्स अपने सेल्फ हुड से ऊपर उठकर फैमिलीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। दूसरे बहुत सारे माइनर रीजंस है, जैसे कि पहले लोग 20 या 21 साल की उम्र में शादी करते थे, लेकिन अब लोग 29 और 30 की उम्र में शादी कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई माँ को सिर्फ एक ही बच्चा हो तो वो अपने मदरहुड को भी अचीव कर सकती है और उसके साथ साथ अपने कैरियर और ड्रीम पर भी फोकस कर सकती है। बच्चे पैदा करना और उनको बड़ा करना आज इतना महंगा हो गया है कि पेरेंट्स अपनी अच्छी लाइफस्टाइल या फिर लार्जर फैमिली दोनों में से एक ही चीज़ पसंद कर सकते हैं। हमारा सोसाइटी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें बर्डन ऑफ मैरिज एंड मदरहुड किसी पुरुष से ज़्यादा किसी औरत की फ्रीडम को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब लोग चाइल्ड क्वांटिटी से ज़्यादा चाइल्ड क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। अगर एक ही बच्चा होगा तो उसको अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसका कोई प्राइवेट ट्यूशन लगवा सकते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप गौर करें कि दो फैमिलीज हैं जिनकी इनकम सेम है, जिस फैमिली का कंजम्पशन ज़्यादा होगा उनकी फर्टिलिटी लो होगी और जिस फैमिली का कंजम्पशन कम होगा उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। एक रिसर्च के अनुसार सिंगल चाइल्ड फैमिलीज में बच्चे को मार भी कम पड़ती है। आप सोचिए कि पहले गुड बिहेवियर के लिए बच्चों को शाबाशी मिलती थी और बैड बिहेवियर के लिए उनको मार पड़ती थी, लेकिन अब पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज बढ़ गए तो वो बच्चों का बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो बच्चों को मारे क्यों? सिंगल चाइल्ड के अपने फायदे होते हैं, जैसे बच्चा फोकस और एम्बिशियस होता है, बच्चे का पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड होता है, बच्चे की सोल एक्टिविटीज़ में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सिंगल चाइल्ड के नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बिग डेल भी बन सकते हैं और उनके अंदर लिटल एम्पायर सिंड्रोम भी जनरेट हो सकता है। बच्चे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, बच्चों के कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होते हैं। सिंगल चाइल्ड होने के कारण बच्चे की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अपने ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान रखे। हमारे देश के सोशल स्ट्रक्चर के अनुसार शादीशुदा जोड़ों में पति के माँ बाप का ध्यान पति और पत्नी दोनों साथ में रखते हैं, लेकिन अगर लड़की भी सिंगल चाइल्ड है तो उसके माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? अगर पति और पत्नी दोनों रिस्पेक्टिवली सिंगल चाइल्ड हुए तो उनके बच्चों को मामा मासी और बुआ का प्यार कैसे मिलेगा? अब जानते हैं सिंगल चाइल्ड फैमिलीज का अपने देश के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। देश की पॉपुलेशन कम होती जाएगी, इसके वजह से प्रति व्यक्ति रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, गरीबी कम होती जाएगी। आज हमारे देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 50-60 सालों में देश में यंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर ज़्यादातर फैमिलीज एक ही बच्चा पैदा करेंगे तो पॉसिबिलिटी है वो लड़का ही चाहेंगे, इसलिए इल्लीगल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एबॉर्शंस भी बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह से देश में जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ती जाएंगी। हमने आज की वीडियो में एक रिसर्च पेपर बेस्ड फैक्ट्स और पॉसिबिलिटीज़ को बताया है। कितने बच्चे पैदा करना चाहिए वो पेरेंट, उसमें भी अधिक एक स्त्री की अपनी चॉइस होनी चाहिए।